ये दूसरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो हम साइन करने जा रहे हैं। मजमूई तौर पर हम 1800 मेगावाट बिजली पैदा करने जा रहे हैं, $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और 8000 नौकरियां के मौके पैदा करने जा रहे हैं। इनका ब्रेकडाउन ये है कि गुज़श्ता जुमे के रोज़ हमने कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट साइन किया जिसमें $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी चाइना 3 गॉर्जेस कंपनी की और 1120 मेगावाट हाइडल पावर प्रोजेक्ट पैदा करने जा रहे थे और 5000 नौकरियां पैदा हो रही थी। आज हम चाइना गजूबा कंपनी के साथ 701 मेगावाट हाइडल पावर प्रोजेक्ट साइन करने जा रहे हैं जिसमें $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है और 3000 नौकरियां पैदा होंगी। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमने आपके वीएन के मुताबिक बहुत डेलिब्रेशंस की और ड्यू डिलीजेंस की और हम जा रहे हैं सस्ती बिजली की तरफ, महंगे इंपोर्टेड फ्यूल की बजाय अपना इंडिजिनस रिसोर्स यूज करने की तरफ और महंगे कर्जों की बजाय इन्वेस्टमेंट की तरफ। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोविड के बावजूद सीपैक इस वक्त भरपूर तरीके से रवा दवा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप और भी प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग देखेंगे। आज सर इस मौके पर मैं प्राइम मिनिस्टर एजेके, एनर्जी मिनिस्ट्री और तमाम एनर्जी मिनिस्ट्री के इदारे CPPA, PPIB, NTDC और CPAC अथॉरिटी तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और इसके अलावा प्लानिंग मिनिस्ट्री सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हम इस मंजिल तक पहुंचे और अभी आप सर ये साइनिंग सेरेमनी को विटनेस करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। So we now have the signing ceremony for the Government of Pakistan Implementation Agreement. I now invite Mr. Shahjahan Mirza, MD PPIB, and Mr. Li Xiaotao, CEO IPP, for the signing. सीपैक का एक और संगे मील आजाद पतन हाइडल प्रोजेक्ट, इसकी साइनिंग तकरीब पर सिग्नेचर्स किए जा रहे हैं। साइनिंग तकरीब है, मुआहिदों पर दस्तखत हो रहे हैं। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और इस मंसूबे के लिए चाइना के गैस होबा जो कंपनी है उसके साथ मुआहिदे पर दस्तखत हो रहे हैं। आजाद पतन हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आपको बता दें कि ये $1.5 अरब की सरमायाकारी है जो सीपैक मंसूबों के तहत की जा रही है चाइना की जानिब से पाकिस्तान के अंदर, और मुख्तलिफ मुआहिदे हैं इसके तहत जिन पर अभी सिग्नेचर्स किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान यहां पर मौजूद हैं, कुछ ही देर में इजहार ख्याल भी करेंगे। आपको बताएं कि इससे सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई यानी बिजली पैदा हो पाएगी। दो हजार छब्बीस ये वक्त मुकर्रर किया गया है, एक हदफ रखा गया है कि जब आजाद पतन हाइडल प्रोजेक्ट पाकिस्तान में काम शुरू कर देगा, ये मंसूबा 2026 में मुकम्मल होना है। 6 साल का वक्त मुकर्रर किया गया है और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं चाइना गजोबा के साथ इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमें तवानाई की किल्लत को दूर करना है तो हमें सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा करना होगी। कुछ ऐसे तरीके अपनाना होंगे जो सस्ते भी हों, कम लागत हों और वो माहौल के लिए भी नुकसानदेह नहीं हों। तो आजाद पतन हाइडल प्रोजेक्ट एक ऐसा ही मंसूबा है। इसकी साइनिंग तकरीब हम बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं। 2026
2020 में ये मंसूबा मुकम्मल होना है और इस प्रोजेक्ट पर जो सरमायाकारी की जा रही है चाइना की जानिब से वो 1.5 अरब डॉलर बताई जा रही है। इसी के तहत मुख्तलिफ माहदे हो रहे हैं। सी पैक के तहत हम देख रहे हैं मुख्तलिफ मंसूबों पर पाकिस्तान में बड़ी तेजी के साथ काम जारी है और ये एक तकरीब उसी हवाले से जो हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। Government of Punjab, it is the water use agreement between the Secretary of Irrigation Punjab, Mr. Saif Anjum, and the COIPP. A core agreement? दरियाए जेहलम पर ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तान के आवाम के लिए यकीनन एक बहुत ही अच्छी खबर, जैसा कि अभी बताया जा रहा था चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की जानिब से कि इस प्रोजेक्ट के पाकिस्तान में शुरू होने से 3000 के करीब मुलाजमतें पैदा होंगी, मुलाजमत के मौके पैदा होंगे और ये यकीनन इस इलाके के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है और पाकिस्तान के लिए तो यकीनन है ही है। तवानाई जो है पाकिस्तान में अब वो बढ़ सकेगी क्योंकि आजाद पतन हाइड्रो प्रोजेक्ट की साइनिंग तकरीब हो चुकी है और अभी इस तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि मेहमान खुसूसी हैं इजहार ख्याल करने जा रहे हैं। प्लीज बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज बड़ी खुशी से खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी एनर्जी मिनिस्ट्री की और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को और जिसमें पंजाब गवर्नमेंट भी शामिल है। ये जो प्रोजेक्ट आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सी पैक के नीचे है, ये तो ये हमें खुशी इसलिए है, बड़ी वजूहात हैं खुशी की। सबसे पहले ये कि ये सी पैक का प्रोजेक्ट है और सी पैक इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि वो एक ऐसा पाकिस्तान का और चाइना का एक ऐसा मुआहदा है और ऐसी एक कोऑपरेशन और फ्यूचर के अंदर एक ऐसी उम्मीद है कि जो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को बहुत ऊपर लेके जाएगा। हमें बहुत उम्मीद है चाइना के साथ। चाइना की तरक्की जिस तरह हुई उससे पाकिस्तान बहुत सीख सकता है। मगरब की तरक्की बिल्कुल मुख्तलिफ उसके जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हमें हमारे लिए ज़रूरी जो हम सीख सकते हैं वो जिस तरह चाइना पिछले 30 साल में तरक्की किया है, तो एक तो हम उनसे सीख सकते हैं, दूसरा चाइना इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बल्कि दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम उससे भी बहुत इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और पाकिस्तानियों के लिए बहुत उम्मीद है कि ये जो हमारा सी पैक का प्रोजेक्ट अब और फेजेस में जा रहा है। पहले तो एक उसका सिर्फ कनेक्टिविटी थी, अब इसकी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे खुशी ये है कि सी पैक के नीचे है। दूसरी चीज़ कि ये एक कर्ज़ा लेके हम पावर बना रहे हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि असल में तो मुल्क की ज़रूरत इन्वेस्टमेंट है। कर्ज़े हमें पता है, हमने कर्ज़े लेके पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उनका बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है मुल्क को, तो ये एक इन्वेस्टमेंट आई है और आई इससे इंशाल्लाह यानी बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि मुल्क को फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट का। और जो तीसरी चीज़ की है कि ये है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बदकिस्मती से पाकिस्तान जो बड़ी सस्ती बिजली के ऊपर बड़ी कई 30-40 साल तक पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे हमने इंपोर्ट करके बाहर से फ्यूल मंगवा के और पावर स्टेशन सेटअप किए हैं इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर, तब से हमारी इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ। हम मुकाबला ना कर सके अपने हमसाए मुल्क जिधर उनकी एनर्जी का कॉस्ट
नीचे जाना शुरू हो गया और हमारा ऊपर जाना शुरू हो गया। जैसे हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता था, रुपया गिरता था, बिजली की कीमत बढ़ जाती थी। तो ये एक बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हमने बजाय उस फ्यूल से बिजली बनाते जो पाकिस्तान में मिल सकता है, हमने इंपोर्ट करके फ्यूल से जो बिजली बनाई उससे पाकिस्तान को एक बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। हमारे लोगों को बिजली महंगी मिली। उससे बड़ी चीज़ ये कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मुकाबला नहीं कर सके। हर शोबे के अंदर फ़र्क पड़ा। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थी जिसके ऊपर पाकिस्तान शुरू में तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, जो सस्ती बिजली हमारे मुल्क में थी, वो बदकिस्मती से ये 90 की दिहाई के बाद जब इम्पोर्टेड फ्यूल आना शुरू हुआ तो हमारी बिजली भी महंगी हुई। इसका बहुत असर पड़े हमारी इकॉनमी के ऊपर। तो ये भी मुझे खुशी है कि ये अब अपने पाकिस्तान की यानी अपने पानी के ऊपर बिजली बनेगी। तो ये फिर तीसरी इसकी बहुत बड़ा फ़ायदा है। और चौथा कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्लीन एनर्जी है। तो जो हम क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, जो हमारी ख्वाब है कि पाकिस्तान को हम हरा भी करें और हमारी आबो हवा साफ हो, हम माहौलियात भी हमारी बेहतर हो, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो दुनिया में अब सब चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी जिसे कहते हैं, जो कि माहौलियात के ऊपर बुरा असर ना करे और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी नुकसान ना पहुँचाए। तो ये जो वो बिजली जो पानी से बनती है वो उस तरह भी हमारे मुल्क में, और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्लीन एनर्जी, तो उसके ऊपर भी ये पूरी तरह उतरती है। तो इसलिए आज ये बड़ी हम सब के लिए खुशी की चीज़ है कि एक वो इन्वेस्टमेंट आई है जो हर तरह पाकिस्तान के फ़ायदे में है। और फिर से मैं ये रिपीट करूँगा कि सी पैक के नीचे है जो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में ऐसी सरमायाकारी आई है जो हर तरह से पाकिस्तान के फायदे में है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। सी पैक का एक और संगे मील आज़ाद पतन हाइडल प्रोजेक्ट, इसकी साइनिंग तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है तवानाई की वजारत को और साथ ही साथ पंजाब गवर्नमेंट को। कहना उनका ये था कि ये जो सी पैक का प्रोजेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है और इस पर हम ज़्यादा खुश इसलिए हैं कि सी पैक वक्त साबित करेगा कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक ऐसा वादा है जिससे पाकिस्तान चाइना की तरक्की से बहुत कुछ सीख सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए हम किसी से कर्जा नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसके जरिए एक बहुत बड़ी सरमायाकारी, जैसा कि हमने आपको बताया था, $1.5 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होगा। फिर उन्होंने भी कहा कि इसकी एक और अच्छी बात यह है, वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी पानी से बिजली पैदा की जा रही होगी, इससे पाकिस्तान की जो खूबसूरती है, जो माहौल है, उस पर कोई नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान सरसब्ज रहेगा, खूबसूरत रहेगा और साफ रहेगा।